हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ स्वाति गुरुंग, दिस इज़ माय थर्ड ब्लॉग। और अभी भी वही हो रहा है जो हो रहा था, मेरी शादी की तैयारियां। तो अभी हो रहा है घर पे वाइट वॉश। एक्चुअली मैं बाहर का तो हो गया है, बस अंदर का बचा है, क्योंकि अंदर का हमको कलर चेंज करना था। और घर के अंदर जो होता है बहुत सारा सामान होता है जो कि हमको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी मेरा घर बिल्कुल फैला हुआ है, ठीक है, तो जज मत करना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा फैला हुआ है, बरामदे से लेकर सब कुछ, लाइक लिटरली एवरीथिंग। इट्स सो मिस्ड अप इन हियर। एंड जस्ट मेरा रूम जो कि अभी सेम है, बट मे बी शायद थोड़ी देर बाद या कल वो भी फैल जाएगा, क्योंकि मेरे रूम में बहुत सारा सामान है और मैं अरेंज करके नहीं रखती हूँ, तो उससे भी मेरा रूम ज़्यादा फैला हुआ लगता है। ये देखिए कितना ज़्यादा सामान। हाँ, पूरा अभी गेस्ट भी आ रखे हैं घर पे, उनके लिए मैंने बनाया है लंच। और इस रूम का हम कलर चेंज करेंगे, तो आप गेस करिए कि कौन सा कलर होगा इस रूम पे। बट ये जो हमने कराया था, ये हमने ऐसे ही करा दिया था, जो हमको मिला कर दिया। बट इस बार हम कलर चेंज करा रहे हैं, तो आप गेस करो कौन सा होगा। अभी मैं आपको बाहर ले जाकर दिखाती हूँ। ये देखो भाऊ जी कितनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पसंद हो रहे हैं। ये देखो आपको आ रहा होगा आवाज विसल का, वो अभी फर्स्ट विसल है चिकन का। और मैंने बनाया चिकन एंड राइस एंड सैलेड, तो जब वो बन जाएगा तब आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय। फेसबुक तो मैं चलाती ही नहीं हूँ। साफ सफाई हो रही है यहाँ पे, शादी की तैयारी। यहाँ आ रहो ना, हाय। ये बनाया मैंने चिकन, और ये गया भाउजू की प्लेट में। तो भाउजू के लिए है ना ये। कैसा लग रहा है? अच्छा टेस्ट कर रहा होगा, पता नहीं, मैंने नहीं खाया, जब मैं खाऊंगी तब बताऊंगी। उसे झोल जग मत खिलाओ ना, खसाओ नहीं ना। और चिकन लेग पीस। भाई बोले, भाई बोले मैं मासू खा रही थी। उतार रखा बस दिखाने। भाजू बताओ, चलो मासू कैसा बना था? मासू मीठो बनाते। देखो देखो जरा, हड्डी में एक भी मासू नहीं छोड़ा है, पूरा चिल्लो कर दिया हड्डी भी।
मेरे घर को बाहर का कंडीशन इसको एंड दिस इज माय रूम। भैया काम कर रहे हैं और मेरा रूम का कलर भी चेंज होने वाला है, तो आप गेस करो कि मेरे रूम का और इस रूम का कलर कौन सा होगा। सो टुडे आई एम मेकिंग दिस मटन लेग्स। एक्चुअली इट्स गुड फॉर योर बोन्स एंड जॉइंट्स। सो एक्चुअली हमारे घर पे सबको प्रॉब्लम हो रही है अभी, आई डोंट नो, अभी कुछ वायरल चल रहा था, जो भी चल रहा था उसकी वजह से। तो यहाँ पे अभी हो रहा है मस्टर्ड ऑयल गरम, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल सबसे बेस्ट होता है, रिफाइंड ऑयल से अच्छा होता है, रिफाइंड ऑयल इज़ नॉट हेल्दी। ऑल्सो यूज दिस, हींग डाइजेशन के लिए वेरी गुड। सो कल मेहमान आए थे तो आई मेड चिकन एंड टुडे आई एम मेकिंग दिस मासु। मासु बहुत अच्छा गर्म क्या फोटो खींच के रख ले, ये भी मिट जाएगा अब। ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया था मम्मी फोटो खींच के रख दे रहे। सो मैंने एवढा कूड़ा ऑर्डर करे को थे तर मा आई शो यू गाइस व्हाट के प्रॉब्लम था। ओके वेट, साइज साइज, व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाट इज दिस बिहेवियर। अम्माला रिटर्न करानो पडला एंड आई रियली हेट दिस प्रोसेस। रिटर्न कराओ फिर उसके बाद उसके एक्सचेंज में कुछ और चीज आएगा, आई रियली हेट दिस। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। मेरे पापा पापा हाय वनो सब बिजी है, घर में भी काम में सब बिजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय।